साल 1518, शहर स्ट्रेसबर्ग, होली रोमन एम्पायर की एक फ्री सिटी। फिलहाल ये जगह फ्रांस में स्थित है और इस जगह के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जो कि काफी विचित्र और रहस्यमयी है। सन 1518 में इस जगह पे तकरीबन 400 लोग अपना आपा खोते हुए बहुत ही अनियंत्रित तरीके से नाचने लगे और कई लोग नाचते हुए मारे गए। नाचने वाले लोग कई दिनों तक नाचते रहते थे और ये मास हिस्टेरिया 2 महीने बाद अपने आप ही खत्म हो गया। अब इस पूरी घटना के पीछे कौन था, ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे की वजह क्या थी, जानेंगे आज की वीडियो में। July 14, 1518 को स्ट्रेसबर्ग शहर में फ्रॉ ट्रॉफिया नामक औरत सड़क पे आकर एकदम से नाचने लगी और उसे देखकर लोग आश्चर्य में थे। सड़क पे कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रही थी, वहां किसी तरह का प्रोसेशन नहीं था, फिर भी फ्रॉ नाचती जा रही थी। फ्राउ के हस्बैंड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश किए, लेकिन फ्राउ उनकी एक न सुनी और वो तब तक नाचती रही जब तक अंधेरा नहीं हो गया। पूरे दिन नाचने की वजह से फ्राउ अब तक थक चुकी थी और इसी कारण वो बेहोश हो गई। अगली सुबह फ्राउ को होश आया और उसने देखा कि उसके पैर फूल गए हैं, लेकिन वो बिना अपने पैर की परवाह किए फिर से नाचना शुरू कर दी। फ्राउ थोड़ा बहुत ही कुछ खाती या पीती थी क्योंकि वो पूरे दिन नाचने में बिजी थी। तीसरे दिन तक काफ़ी लोग फ्राउ के नॉनस्टॉप डांस को नोटिस करने लगे और फ्राउ टोटल 6 दिनों तक अपनी अनस्टॉपेबल और पेनफुल डांस करती रही। फ्राउ के इस बर्ताव को देखकर अथॉरिटीज़ एकदम डर गए थे और वो फ्राउ को वैगन में बिठाकर शहर से 30 मील दूर सवरने ले गए। बाय दिस टाइम कई लोगों ने फ्राउ को नाचते हुए देख लिया था और एक हफ्ते के अंदर स्ट्रेसबर्ग में 34 लोग स्ट्रीट्स पे नॉनस्टॉप नाचने लग गए थे जिन्हें रोकना पॉसिबल नहीं था। कुछ दिनों में और भी लोग इस डांसिंग मेनिया से अफेक्ट होने लगे एंड दिस वाज द टाइम व्हेन प्रीवियस सिटी काउंसिल इस फिनोमेनन को कंट्रोल करने की कोशिश में लग गई। काउंसिल मेंबर्स कुछ फिजिशियंस को कंसल्ट किए और फिजिशियंस का कहना था कि ऐसे बिहेवियर्स काफ़ी कॉमन है और इसके होने की वजह है ओवरहीटेड या फिर हॉट ब्लड, यानी कि विक्टिम्स का खून गर्म हो गया है और इसे ठीक करने के लिए विक्टिम्स के बॉडी से एक्सेस खून को निकालना होगा। नाउ आई नो दिस साउंड्स स्टूपिड, लेकिन 1518 के फिजिशियन से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो कि इस केस में विक्टिम्स नाच रहे थे तो उन्हें एक एक करके पकड़ना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए फिजिशियंस ने सजेस्ट किया कि डांसिंग मेनिया के विक्टिम्स को नाचने दिया जाए ताकि उनके ब्लड का टेम्परेचर गिरे जिससे वो नाचना बंद कर देंगे। बस फिर क्या था, शहर के गिल्ड हॉल्स को डांस फ्लोर में तब्दील किया गया जहाँ म्यूजिशियंस के साथ साथ प्रोफेशनल डांसर्स इन विक्टिम्स के साथ नाचने लगे। नाउ दिस टेक्निक हॉरिबली बैकफायर क्योंकि ऐसा करने से और भी कई लोग नॉनस्टॉप नाचने लगे थे और इस पूरे इवेंट के दौरान तकरीबन 14 लोग नाचते नाचते मारे गए। सिटी काउंसिल अब समझ चुकी थी कि यह हॉट ब्लड वाली बात फालतू है और इसीलिए उन्होंने इससे भी ज़्यादा फालतू रास्ता अपनाया, विच वॉज रिलेटेड टू सेंट वाइटस फ्यूरी एंड हिज कर्स। काउंसिल के लोगों का मानना था कि नाचने वाले विक्टिम्स को सेंट वाइटस ने कर्स किया है जिस वजह से वो ऐसे नाच रहे हैं, एंड दिस होल थियरी वॉज बेस्ड ऑन द इवेंट दैट सेंट वाइटस के बर्थडे पे लोग उनके स्टैच्यू के आसपास नाचते थे। सेंट वाइटस के श्राइन पे माफ़ी मांगने पर भी केसेस कम नहीं हुआ और 1 महीने के अंदर तकरीबन 400 लोग नॉनस्टॉप विदाउट कंट्रोल नाच रहे थे। ऐसे सिचुएशन में सिटी प्रीवी काउंसिल ने डांस, म्यूजिक और गैम्बलिंग जैसी चीज़ों पर रोक लगा दिया ताकि इस डांसिंग मेनिया को रोका जा सके। उस वक्त अगर किसी की शादी भी हो रही थी तो उन्हें सिर्फ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना अलाउड था क्योंकि ड्रम्स वगैरह के साउंड ज़्यादा लाउड होते हैं, विच कैन इंस्टिगेट अ पर्सन टू डांस। वर्स्ट अफेक्टेड लोग लाइक फ्राउ इत्यादि को सेंट वाइटस के श्राइन तक एक वैगन से भेजा गया और सरप्राइजिंगली फ्राउ जैसे कुछ लोग इस डांसिंग मेनिया से ठीक भी हो गए। प्रीस्ट्स विक्टिम्स के पैर में रेड शूज पहनाकर उनके हाथ में क्रॉस पकड़ा देते थे ताकि विक्टिम्स कंट्रोल में आए। इतना ही नहीं, विक्टिम्स के ऊपर होली वाटर का भी छिड़काव किया जाता था और उन्हें ऐसे कमरों में बंद किया जाता था जिसमें ढेर सारी अगरबत्तियाँ हों। नाउ इट्स क्वाइट ट्रू कि कुछ लोग इस प्रक्रिया से ठीक हो गए, लेकिन ये भी बात सच है कि कुछ लोग बिना किसी प्रक्रिया के भी अपने आप ही ठीक हो रहे थे।
तकरीबन 2 महीने बाद डांसिंग मेनिया से प्रभावित सभी लोग या तो ठीक हो गए या फिर उनकी मौत हो गई थी। डांसिंग मेनिया पूरी तरह से रुक चुका था। अब ये डांसिंग मेनिया क्यों हुआ, इसके रूट कॉज को उस वक्त तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन 1526 में एक स्विस फिजिशियन पैरासेल्सियस ने सजेस्ट किया कि डांसिंग मेनिया ह्यूमन बॉडी के सर्टेन इनवॉलंटरी एक्शन से हुई है जिसके कारण विक्टिम्स वे कंपेल्ड टू डांस। उन्होंने टिपिकल 1500s फैशन में वुमेन को भी इसके लिए ये कहकर ब्लेम किया कि औरतें ये डांस वगैरह एक प्रोटेस्ट के तौर पे कर रही हैं ताकि उन्हें घर का काम न करना पड़े। आई नो दिस साउंड्स रियली स्टूपिड, लेकिन अगेन 1500s में लोगों में कितना ही दिमाग था। बट रीसेंट टाइम्स में साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और कई मॉडर्न साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने इस मिस्टीरियस इवेंट पर अपनी राय दी है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि डांसिंग प्लेग्स मेडिवल टाइम पे अर्गॉट से हुआ, जो कि डैम्प राई के स्टॉक में अक्सर पाया जाता है। अर्गॉट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके सेवन से हेलुसिनेशंस, जर्किन और इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अर्गॉट के बारे में अपने सैलम विच ट्रायल्स वाली वीडियो में बात करी थी और वहाँ मैंने बताया था कि मेडिवल टाइम्स में कई लोग अर्गॉट का अनजाने में सेवन कर लेते थे। ये थ्योरी सुनने में तो बड़ा सही लगता है, लेकिन हिस्टोरियन जॉन वॉलर का मानना है कि एर्गॉट वाली थ्योरी गलत है। वॉलर के हिसाब से एर्गॉट हेलुसिनेशंस दिखाता है, लेकिन उससे कोई भी डांस नहीं करने लगेगा। मोरओवर एर्गॉट थोड़ा पॉइजनस होता है, तो उसे खाकर कोई दिनों तक कैसे नाच सकता है। वॉलर ने यहाँ अपनी थ्योरी प्रपोज की, जहाँ उन्होंने इस पूरे डांसिंग मेनिया को एक मेंटल कंडीशन बताया। वॉलर के हिसाब से स्ट्रेसबर्ग के लोग इस तरह से प्राइम्ड थे कि वो कुछ ना कुछ अजीब हरकत करने वाले थे, एंड इन दिस केस इट वाज हिस्टेरिकल डांसिंग। वॉलर हमें समझाते हैं कि 1374 से 1518 के बीच यूरोप में कई छोटे मोटे डांसिंग मेनिया देखने को मिले थे, और ये सभी केसेस होली रोमन एम्पायर के वेस्टर्न एज के पास हुए थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस एरिया की फसल हमेशा खराब रहती थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लोग अक्सर भुखमरी से जूझ रहे थे, और यहाँ तो सिफिलिस और स्मॉल पॉक्स का आउटब्रेक भी हुआ था। 1518 से ठीक एक साल पहले स्ट्रेसबर्ग में सूखा भी पड़ा था, और ऐसे में यहाँ के लोग मेंटली पूरी तरह से टूट चुके थे। फ्राउ जैसी एक आम औरत को इस कंडीशन में भी घर को चलाना पड़ रहा था, जो कि उन्हें बहुत अफेक्ट कर रहा था। इस मेंटल ट्रॉमा से कोप अप करने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है, एंड हेंस द अनस्टॉपेबल डांसिंग। अब आप पूछ सकते हैं कि डांसिंग ही क्यों, बिकॉज उन दिनों लोगों का मानना था कि सेंट वाइटस उन सभी से रिवेंज ले रहे हैं जिसकी वजह से दे हैड टू डांस। इस तरह के इंसिडेंट्स हमने कई बार हिस्ट्री में देखी है, जैसे कि नंस का म्याऊ करना, 1963 में कुछ लड़कियों का नॉन स्टॉप गिगल करना विच वॉज फॉलोड बाई मेनी अदर पीपल इत्यादि। ध्यान रहे कि 1518 में ज़्यादातर लोग अपने हालातों से डिप्रेस थे, और जब फ्राउ ने डांस करते हुए रिएक्ट किया तो कई लोग उस बात को फॉलो करते हुए फ्राउ के साथ नाचने लगे। ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इस तरह की हरकतों को आज भी मेडिकल साइंस स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक ए मॉडर्न रेव कल्चर, जहाँ ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में लोग कई दिनों तक लिमिटेड फूड सप्लाई के साथ डीजे के धुन पे नाचते रहते हैं, जबकि वो ठीक से होश में भी नहीं रहते। तो वॉलर की थ्योरी को मोस्ट ऑफ द लोग सही मानते हैं, और मैं खुद भी इस एक्सप्लेनेशन में भरोसा रखता हूँ। यहाँ मेरा सवाल आपसे है कि आप इस पूरे इंसिडेंट को लेकर क्या सोचते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, और ऐसी वीडियोस डीमोनेटाइज भी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊं, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं बिना टेंशन लिए लेट नाइट शोज और वर्सेस सीरीज पर काम कर सकूं। इफ़ आई गेट एटलीस्ट 100 सपोर्ट, तो जल्द ही मैं एक और रियल इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। और अगर आप उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते, तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।